तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को सऊदी अरब से लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत का गेहूं लेने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को तुर्की के बाद सऊदी से दूसरा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना लागू करने से पहले मोदी सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। अग्निपथ योजना लाकर बर्बाद हुई मोदी सरकार, छात्रों ने जला दी कई ट्रेनें, 500 करोड़ रुपए का अब तक मोदी सरकार को हुआ है नुकसान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने वाला व्यक्ति सतपाल तनवर गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे असुद्दीन ओवैसी, बोले एक दिन के सांसद को ताउम्र मिलती है पेंशन, जवानों का हक क्यों मार रही है सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले 4 साल के बाद आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं छात्र, इसलिए मोदी सरकार अग्निपथ योजना को ले तत्काल वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अपनी ही पुलिस पर भड़के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुसलमानों के पोस्टर लगाए जाने से हुए नाराज, बोले ये दंगा ही नहीं बल्कि है मुसलमान, इनके खिलाफ ना हो कोई कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी और NCP, अग्निपथ योजना को वापस लेने की कांग्रेस पार्टी ने मोदी से की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को सऊदी अरब से लगा एक और बड़ा झटका। तुर्की के बाद अब सऊदी अरब ने भारत का गेहूं लेने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को सऊदी अरब से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देश नाराज हुए और कई मुस्लिम देशों ने भारत की चाय पत्ती और भारतीय गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया। अब इन्हीं देशों में सऊदी अरब का भी नाम जुड़ गया है और सऊदी अरब ने आज मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए भारत से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया और भारतीय गेहूं पर 4 महीने का बैन लगा दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारत से गेहूं लेने से क्यों इनकार किया है और क्यों बैन लगाया है इसकी सऊदी अरब ने कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था उसी से नाराज होकर सऊदी अरब ने भारत से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया और भारतीय गेहूं पर बैन लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब से पहले मोदी के जिगरी दोस्त और मुस्लिम देश UAE ने भी भारतीय गेहूं लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सऊदी अरब के बाद UAE ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी और निपुण शर्मा का विरोध किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करना निपुण शर्मा को भारी पड़ गया और पूरे देश को अब करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निपथ योजना लागू करने से पहले ही मोदी सरकार हुई बर्बाद, 500 करोड़ रुपए का अग्निपथ योजना से मोदी को हुआ नुकसान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार देश में अग्निपथ योजना को लागू करने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लागू करने से पहले ही मोदी सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना जैसे ही मोदी सरकार ने लॉन्च की तो बिहार सहित देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने कई ट्रेनें जला दी। अगर दोस्तों हम बात करें तो बिहार में लगभग 5 ट्रेनें अब तक छात्रों ने जला दी हैं। अगर दोस्तों इन 5 ट्रेनें की बात करें तो एक ट्रेन के एक कोच की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये होती है और एक इंजन की कीमत रेल के लगभग 20 करोड़ रुपये होती है। अगर दोस्तों इन लोगों ने 5 ट्रेनें जला दी हैं तो लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान मोदी सरकार को इस मामले को लेकर हुआ है, क्योंकि एक ट्रेन पूरी बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को अग्निपथ योजना से अब तक 500 करोड़ रुपये का खर्च जो है नुकसान हो गया है और छात्रों ने लगभग 5 से 6 ट्रेनें जला दी हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निपथ योजना को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, ओवैसी बोले एक दिन के सांसद को ताउम्र मिलती है पेंशन, जवानों का हक क्यों मार रही है सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया में हुए बदलाव को लेकर पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना विरोध जता रहे हैं, कई जगह आगजनी भी की गई है। इस बीच आज बिहार में कई ट्रेनों को जला दिया। वहीं आपको बता दें कि इस पर AMM चीफ और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन
ओवैसी ने बातचीत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक गलत फैसला है, इस योजना के कारण गरीब परिवारों में आक्रोश है, सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सशस्त्र बलों का प्रोफेशनल बहुत ही अनरेबल प्रोफेशनल है, वो सेना में रहकर देश के लिए जान देते हैं या देश के लिए जान लेते हैं, लेकिन मोदी सरकार इस तरह के काम करके गलत काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन भी अगर सांसद बन जाता है कोई व्यक्ति तो उसे ताउम्र पेंशन मिलती है, लेकिन जवानों का हक मार रही क्योंकि जवानों को मोदी सरकार को पेंशन ना देने पड़े, इसलिए मोदी सरकार ये नए कानून लेकर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा की जुबान काटने वाले को 1 करोड़ इनाम का किया था ऐलान भीम आर्मी प्रमुख सतपाल गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा की जुबान को काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान करने वाले भीम आर्मी प्रमुख सतपाल को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान निपुण शर्मा ने दिया था, जिसके बाद भीम आर्मी प्रमुख सतपाल तनवर ने निपुण शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का बीते ही दिनों ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर सतपाल तनवर के खिलाफ केस दर्ज किया था। सतपाल तनवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो है टीम ने आज सतपाल तनवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताए दोस्तों कि सतपाल तनवर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस दोगली है और भाजपा के इशारों पर काम करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरे झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा के विरोध में झारखंड की राजधानी रांची में बीते शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में शामिल आरोपियों की तस्वीर झारखंड पुलिस ने जारी की थी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही झारखंड पुलिस ने इन मुसलमानों की तस्वीर जारी की थी, उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री पुलिस से नाराज हो गए और झारखंड के मुख्यमंत्री ने फटकार लगाते हुए अब जो है झारखंड पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि आपने बिना मेरी अनुमति के आखिरकार जो निपुण शर्मा के विरोध में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तस्वीर या उनके होर्डिंग कैसे जारी किए, आप ये गैरकानूनी काम कर रहे हो और इस तरह का काम आपको झारखंड में नहीं करने दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बीजेपी शासित राज्य नहीं है, बल्कि ये झारखंड है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक, इलेक्शन कमीशन ने सरकार से की संशोधन की मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने करीब 2 दशक पहले के एक प्रस्ताव पर फिर से अमल करते हुए सरकार से कहा है कि 1 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन हो और यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए। किसी उम्मीदवार के 2 सीटों पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव करवाने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है। विधि मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ हालिया संवाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस सुधार पर जोर दिया है और प्रस्ताव सबसे पहले 2004 में सामने आया था। दरअसल आपको बता दें कि अब देश में एक व्यक्ति 2 या 3 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब वह व्यक्ति 1 सीट पर जीतता है या 3 सीटों पर जीता है या फिर दोनों सीटों पर जीतता है तो 1 सीट को वो छोड़ता है। इसलिए अब चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति एक ही सीट पर चुनाव लड़े और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर बैन लगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय, ऐसा देश में होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले 4 साल बाद युवा नक्सलियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के क्रोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है, हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना पर देश भर में बेकाबू हालातों के बीच बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस और सेना की नौकरियों में फर्क होता है, पुलिस कानून व्यवस्था संभालती है जबकि सेना में ऐसा नहीं होता है। 2 साल सेना तक भर्ती बंद थी, अब सरकार उन्हें 4 साल के लिए भर्ती देगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 4 साल की नौकरी के बाद
जब 22-23 साल का लड़का अपने घर लौटेगा तो सभी को पुलिस में भर्ती देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि बंदूक चलाना सीख चुके जिन युवाओं की पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएगी वह गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हो जाएंगे और वह नक्सलियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों भूपेश बघेल, ये बड़ा बयान दिया है, इसलिए भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार को तत्काल इस स्कीम को बंद करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। अग्निपथ योजना को कृषि कानून की तरह वापस लेने की मोदी से की है मांग। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो है सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को देश के बेरोजगार युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक करार देते हुए इसे वापस लेने की मोदी सरकार से मांग की है। दोनों ही राजनीतिक दल शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की घटक है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए सशस्त्र बलों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगारी के अंधेरे में ढकेले का काम कर रही है। नाना पटेल ने कहा है कि ये योजना युवाओं के साथ एक भद्दा एवं क्रूर मजाक है, क्योंकि ये 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, इसलिए इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई है तो दोस्तों की कांग्रेस और एनसीपी ने वापस लेने की मांग की है।